अगली खबर आ रही है पशु क्रूरता को लेकर। पशु तस्कर रायपुर करछुलियान तहसील अंतर्गत पड़रा ग्राम एवं सगरा थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंचकर कार्यवाही कर रही है। लेकिन उस गांव के कथित किसान जो शायद इन चल पशु तस्करों से भी बड़े हत्यारे हैं, वह गौ सेवकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहां पर जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत वसीम का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दोनों अधिकारी विधिक तौर पर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6/9, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत FIR दर्ज करवाते हुए गोवंश को, जो कि लगभग 90 की संख्या में है, आसपास की गौशालाओं में समुचित तौर पर व्यवस्थित करवाएं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गौ सेवकों एवं सामाजिक कार्यकर्ता बाल कृष्ण द्विवेदी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट रूपा द्विवेदी, ब्रिजेंद्र पांडे आदि गौ सेवक पहुंचकर मामले पर संज्ञान लिए हैं और अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन का रोल अहम हो जाता है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इसी तरह से गौ तस्करी करवाता रहेगा अथवा कोई समुचित कार्यवाही करेगा। कहाँ से हो? पीपर रहा से। कौन पीपर रहा? केवटी पीपर रहा। अच्छा जी, ये कहाँ ले जा रहे हो गोवंश? जा रहे हैं साइड वो। कौन काम में ले आई हैं गोवंश? ये सब जोता है जाए। बछवा है, बछवा है। बछड़ा है तो क्या जोतने के काम में ही आएंगे कि काटने के लिए ले जा रहे हो आप? बछड़ा बताइए, काटने के काम में जाते हैं। अच्छा, मालिक कौन है उसको बुलाओ आप तुरंत। रीवा जिले के रायपुर करछुलियान तहसील अंतर्गत थाना सगरा क्षेत्र है, वहाँ पर पड़रा नामक ग्राम में कल 15 अक्टूबर 2022 को कुछ चल पशु तस्कर लगभग आधा दर्जन थे, वह गोवंशों को सड़क पर चलते हुए आम रास्तों के माध्यम से ले जा रहे थे। वो चल पशु तस्करी इस तरह से काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पर जो पड़रा ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता उधर क्षेत्र में एक्टिव हैं बालकृष्ण द्विवेदी और उनके साथियों के द्वारा लगभग 90 की संख्या में इन चल पशु तस्करों को पकड़ा गया, जिसमें से 90 पशु थे जिनके सिर और पांव सींगों को रस्सी से जिस प्रकार से बांध करके रखते हैं जिससे वो भागे नहीं और वो कंट्रोल में रहे, ऐसे 90 की संख्या में वो थे। इसकी जानकारी उन्होंने स्थानीय सगरा थाना को दी, साथ में अन्य लोगों को भी दी, अन्य अधिकारियों को, साथ में हमें भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। हमने इसके विषय में संबंधित जिला SP श्री नवनीत भसीन, जिला कलेक्टर रीवा श्री मनोज पुष्प और मनगमा और साथ में रायपुर करछुलियान के प्रभार में जिसमें SDM है श्री AK झा, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और अरविंद कुमार झा जी को उनको फ़ोन के माध्यम से भी हमने सूचित किया है। सवाल यह है कि इस तरह से चल पुस्तकारी जो चल रही है इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जो ये मूक सहमति है इसकी वजह से सब दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ पर पड़रा में ये भी दिक्कत आई कि जो ग्रामीण लोग थे उसका विरोध कर रहे थे। पशु पकड़े गए हैं तो उसमें से उनको सहयोग करना चाहिए, उनको रखवाना चाहिए, गौशाला में शिफ्ट करवाना चाहिए, लेकिन इन्हीं गौ सेवकों का वो विरोध कर रहे थे। मामले की जानकारी यहाँ पर एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाली रूपा द्विवेदी और ब्रिजेंद्र पांडे जो अटल गौ सेवा संस्थान से संबंधित है उनको भी दी गई, वो भी आधी रात में वहाँ पर विजिट किए थे, उन्होंने भी हमें जानकारी दी है। सवाल यह है कि इन जो चल पशु तस्कर हैं इनके विरुद्ध मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6/9, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, IPC की धारा 429 के तहत FIR दर्ज करवाते हुए इनके कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और साथ में इन गोवंशों को पोषण और पुनर्वास के लिए किसी समुचित व्यवस्था में रखा जाए, समुचित व्यवस्था इनकी की जाए, जहां पर किसी गौशाला में इन्हें रखा जाए अत्यंत आवश्यक है। मैं मनीष मिश्रा ग्राम लोहद्वार का निवासी हूँ जो कि पड़रा गांव से ही लगा हुआ है। मुझे बालकन के द्वारा सूचना मिली कि सब के लगभग गौवंश तस्कर लोग ले जा रहे हैं, तो मैं तुरंत पड़रा पहुंचा और देखा कि वहां गौवंश ले जा रहे थे। उनको अभी पड़रा में ही बंधवा दिया गया है और संबंधित थाना के प्रभारी भी वहां पहुंचे थे, तो मामला भी संज्ञान में लिया गया है, आगे कार्रवाई चल रही है।